हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुश शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये हमारा पीएलसी से रिलेटेड होगा। पीएलसी मतलब कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर जो है आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है आज के डेट में। जो भी ऑटोमेशन की कंपनीज हैं या ऑटोमेट अपने जो भी फंक्शंस को हम ऑटोमेटिक करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, तो जो हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं कंपोनेंट वो मेनली पीएलसी ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूं मैं, जिसका नाम है व्हाई 24 वोल्ट डीसी ऑलवेज गिवन टू पीएलसी। मतलब हमेशा हम 24 वोल्ट डीसी ही क्यों देते हैं पीएलसी को, ये आज का हमारा क्वेश्चन होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की सारी वीडियोज़ हम प्रोवाइड करा देंगे। और बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और वीडियो में कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हो पाया है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो क्राइटेरिया है कि किस तरीके से हमारा 24 वोल्ट डीसी महत्वपूर्ण वोल्टेज बन जाता है पीएलसी के लिए, क्यों हम 24 वोल्ट डीसी को ही प्रिफर करते हैं, इस पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले जो हमारा पॉइंट है इस कैटेगरी में, वो पहला पॉइंट है हमारा सेफ्टी पर्पज। मतलब ये सब रीजंस हैं क्यों हम 24 वोल्ट डीसी को ही प्रेफर करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला रीज़न है सेफ्टी पर्पज। अब ये सेफ्टी कैसे है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा मैंने एक वीडियो बनाया था आपको, जिसमें मैंने बताया था कि आपको वोल्टेज लेवल के हिसाब से आपके जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे आपके ग्लव्स हो गए, आपके शूज़ हो गए, आपके आँखों में चश्मा वगैरह लगाते हैं वो हो गए, गोगल्स हो गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं। तो सेफ्टी इक्विपमेंट हमारे वोल्टेज लेवल पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम हायर वोल्टेज यूज़ करेंगे, हायर वोल्टेज लेवल यूज़ करेंगे तो उस केस में ज़्यादा होगा, और अगर हम कम वोल्टेज लेवल यूज़ करेंगे तो उसमें कम होगा। तो दोस्तों कुछ आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार, अगर हायर वोल्टेज लेवल पर आप बिना सेफ्टी इक्विपमेंट्स के काम कर रहे हो तो उस केस में आपको ज़्यादा खतरा रहता है और बहुत बार लोगों की डेथ हो जाती है इसी वजह से, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। तो उन सब चीज़ों को हटाने के लिए कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को कोई प्रॉब्लम ना हो सेफ्टी पर्पज़ से, तो उसके लिए हम 24 वोल्ट डीसी को ही प्रिफर करते हैं, ठीक है। हम जो वोल्टेज लेवल है वो हमारा कम होना चाहिए, तो कम वोल्टेज लेवल के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है वो डीसी का 24 वोल्ट डीसी हमारा अवेलेबल है, तो इसीलिए हम 24 वोल्ट डीसी प्रेफर करते हैं। हायर वोल्टेज लेवल हम इसीलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी इक्विपमेंट्स हमारे हैवी होंगे और बहुत सारी जगह पे हो सकता है सेफ्टी इक्विपमेंट ना मिल पाए। दोस्तों इस केस में जो हमारा दूसरा पॉइंट आया था वो दूसरे पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा सेफ्टी, आपको क्लियर हो गया होगा कि हायर वोल्टेज लेवल पर ज़्यादा हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोअर वोल्टेज लेवल पर ही काम करते हैं, और जो कि हमारा हम 24 वोल्ट डीसी को प्रेफर करते हैं। इसके और भी पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ कि वाई 24 वोल्ट ओनली, क्योंकि और भी वोल्टेज लेवल हैं उनको भी हम प्रेफर कर सकते हैं लेकिन 24 वोल्ट डीसी को ही क्यों प्रेफर करते हैं। तो इसके लिए सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है वो होता है रिड्यूस्ड मेंटेनेंस टाइम, ठीक है जी, रिड्यूस्ड ये मेंटेनेंस टाइम। तो रिड्यूस्ड मेंटेनेंस टाइम की बात करें अगर हम, तो इस केस में क्या है हमारा रिड्यूस्ड मेंटेनेंस टाइम में दोस्तों, ये होता है कि हमें बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि ऑनलाइन ही मेंटेनेंस करनी पड़ती है। हमें क्या करना है कि जैसे लाइन हमारी चालू है और चालू लाइन में ही हमें कोई भी मेंटेनेंस का काम करना होता है, तो उसके लिए उस केस में भी हमारा ये बेटर होगा कि हम लो वोल्टेज लेवल को ही यूज़ करें। हाई वोल्टेज लेवल अगर हम यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि हमें लाइन कट करनी पड़े हाई वोल्टेज लेवल की मेंटेनेंस करने के लिए, या फिर ज़्यादा सेफ्टी इक्विपमेंट्स वहाँ पे भी हमें यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम, जिससे कि सेफ्टी टाइम हमारा रिड्यूस हो जाए, सॉरी मेंटेनेंस का टाइम हमारा कम हो जाए, कम टाइम में मेंटेनेंस कर पाएँ लो वोल्टेज लेवल पे, इसीलिए हम दूसरा ये पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ मैं। दूसरा पॉइंट हमारा यही है कि मेंटेनेंस टाइम को ये रिड्यूस कर देता है लो वोल्टेज लेवल, और उसमें हम ऑनलाइन मतलब कि जब हमारी लाइन में करंट जा रहा है तब भी हम उसको कर सकते हैं मेंटेनेंस, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट हमारा आता है, इसमें आता है थर्ड पॉइंट कि हमारा जो 24 वोल्ट डीसी है ये हमारा कैसा होता है, यूनिवर्सल वोल्टेज होता है। यूनिवर्सल वोल्टेज का मतलब है कि हमारा जो ये वोल्टेज लेवल है ये इजीली अवेलेबल होता है हर जगह पे। इसका मतलब ये है कि हमारे जो भी जैसे रिले हो गया, ठीक है, कॉन्टैक्टर हो गया, सारी चीज़ें हमारी 24 वोल्ट की अवेलेबल होती हैं
और इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं, आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल वोल्टेज भी बोलते हैं। 24 वोल्ट डीसी हमारा यूनिवर्सल वोल्टेज होता है। दोस्तों इसके पहले की अगर मैं बात करूँ आपसे कि जो पहले का समय था जब हम पीएलसी की जगह हम क्या यूज़ करते थे, आरएलसी यूज़ करते थे। आरएलसी मतलब कि रिले लॉजिक कंट्रोलर। तो ये जो रिले लॉजिक कंट्रोलर यूज़ करते थे दोस्तों इसमें, तो इसके अंदर भी हम क्या करते थे लॉजिक कंट्रोलर तो इसके अंदर भी हम क्या करते थे रिले लॉजिक कंट्रोलर में एक रिले लगाया करते थे जो कि 24 वोल्ट डीसी पे ही ऑपरेट करती थी। ठीक है, तो ये भी 24 वोल्ट डीसी हम यूज़ करते थे रिले का वोल्टेज। तो इसीलिए हमने क्या किया, सेम टू सेम रिले को ऑपरेट करा दिया विद द हेल्प ऑफ 24 वोल्ट लॉजिक कंट्रोलर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, पीएलसी के साथ, मतलब हमने एक तरह से रिले जो 24 वोल्ट की थी उसको रिप्लेस कर दिया है और उसी सेम वोल्टेज लेवल पे हम पीएलसी को यूज़ कर रहे हैं। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। इसी की अगर मैं एक और बात करूँ आपको, जो मैं यूनिवर्सल वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, जैसे सपोज़ कभी कभी क्या है, जैसे सीमेंस कंपनी है हमारी और उसके बाद और भी है, इंडेक्स है सपोज़, ठीक है, इंटेक्स सॉरी, तो और भी बहुत सारी कंपनीज है, मेरे को नाम तो सारी पीएलसी कंपनीज के याद नहीं है, लेकिन जो भी कंपनीज है सपोज़ फॉर एग्जांपल मैंने एबीसी कोई तीन कंपनी ले ली, तो एबीसी तीन कोई कंपनी है। अब मान लो ये तीनों जो कंपनीज हैं ये अलग अलग वोल्टेज लेवल पर पीएलसी को बनाने लग जाएं, ए बी सी, मान लीजिए इसका वोल्ट है 24 वोल्ट, इसका वोल्ट है 100 वोल्ट, इसका वोल्ट है 110 वोल्ट चलो। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या होने वाला है, मान लीजिए कि हमें ए वाला जो पीएलसी है वो ख़राब हो गया, हमारा 24 वोल्ट वाला ख़राब हो गया। अब इस केस में अगर हम बी वाला पीएलसी लगाना चाहते हैं तो क्या यूज़ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, 110 वाला जो सी का है वो यूज़ करना चाहें तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक ही पीएलसी पे निर्भर होना पड़ेगा जो कि हमारी 24 वोल्ट की होगी, जो कि कंपनी ए द्वारा बनाई जा रही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सभी पीएलसी कंपनी जो हैं वो 24 वोल्ट पे ही उसको बनाती हैं, जिससे कि एक यूनिवर्सल सिस्टम बन जाए और सबके पास ईजिली एक्सेसिबल हो और हम ईजिली उनको चेंज भी कर पाएँ। जो भी हम पीएलसी डेवलप कर रहे हैं उसको हम चेंज भी कर पाएँ। ए कंपनी का नहीं मिल रहा तो बी कंपनी का लगाएंगे, बी कंपनी का नहीं मिल रहा सी कंपनी का लगाएंगे। तो इस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं।